क्या हो रहा है? गोगोल सुन, मैं पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने साले मानव को तुम्हारे पास ये सिखाने के लिए भेजा था कि खूनी को कैसे पकड़ते, खून कैसे करते, ये सिखाने के लिए नहीं। हम कसम खाता, अरे कसम खाता है कि हवा खाता है, हत्या तो हुई है ना। हमारा विश्वास करो, वो पॉलिटिशियन को हम नहीं मारा है। अरे तो किसी ने तो मारा होगा ना, ये अपने आप बावला होके खंजर घोप के मर गया खुद। किसने मारा उसको? वो तो नहीं, आपको याद नहीं हो रहा है उस रात को हमारे साथ क्या गंडगोल हुआ है? आप बोलो, हमारा शक्ल देखो, हम कतिल लगता है। अरे शक्ल से तो तुम दरिंदा लगता है, लेकिन इस वक्त मुद्दा तुम्हारी शक्ल नहीं है, मुद्दा उस धमकी का है जो तुमने उस पॉलिटिशियन को दी। दिया मोड़ा नहीं, हम शपथ खाता है। अरे शपथ खाता कि बैंगन का भरता खाता, मुझे मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई ना डिपार्टमेंट के लिए, बाहर देखो मीडिया पब्लिक मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और ऊपर से फोन पे फोन चले आ रहे हैं तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। मैं बता देता हूँ, एक दो दिन और संभाल पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। इतनी जल्दी हो सके कातिल को पकड़ लो, वरना तुमको हथकड़ी लगाने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। एक बज के 45 मिनट पर फिरंगी लड़की की एंट्री, 13 मिनट के बाद कमिश्नर साहब और गुड़िया साहब घर के अंदर घुसे, फिर 1:55 पर नीना जी घर के अंदर घुसी, और फिर ये देख 2:10 पर फिरंगी लड़की घर से बाहर, और उसके बाद घर की सारी बत्तियां गुल और सीसीटीवी में कोई विजुअल कैप्चर नहीं हुआ। मानव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गुड़िया साहब के मरने का टाइम क्या बताया? 2 बजे के आसपास। यानी जब नीना जी घर के अंदर घुसी तो या तो मर्डर हो चुका था या हो रहा था। अगर तो मर्डर हो चुका था तो फिर नीना जी ने लाश देखी क्यों नहीं, और अगर हो रहा था तो नीना जी उस अंग्रेज लड़की ने मर्डर होते हुए देखा कैसे नहीं? और ये भी तो हो सकता है कि अंग्रेज लड़की ने मर्डर होते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसी ने मर्डर किया हो। देख भाई, तू इस दुनिया में क्यों है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से गरोड़िया साहब का मर्डर 2 बार अटेम्प्ट किया गया, एक बार कला दबाकर और दूसरी बार खंजर घोप कर, और फाइनली मौत खंजर घोपने से हुई, और ये दोनों अटेम्प्ट के बीच में 20 मिनट का फासला था। यानी ये कि जब कमिश्नर साहब गरोड़िया साहब को लेकर अपने घर पहुंचे तो उससे पहले भी गरोड़िया साहब को मारने का अटेम्प्ट किया जा चुका था, कब कहां और कैसे ये कैसे पता करें? लेकिन कहीं ना कहीं से तो केस की शुरुआत करनी होगी। मानव चल चल लंच से शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। तूने चॉकलेट वाला जहर खाया कभी? फ्लेवर में आता है? आता है, और फिर इंसान ऊपर जाता भी है। हेलो हेलो, रहने दे रहने दे आदि, आज पूछताछ मैं करूंगा। देख इधर आ, अरे खा खा के सबको चर्बी चढ़ गई है, जल्दी जल्दी आओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, घर पे कौन कौन है? जी माँ, बाबूजी, धर्म पत्नी, 3 लड़कियां, 2 लड़के, दादाजी, साला, ताऊजी के बच्चे, 2 कुत्ते, टिल्लू और बिल्लू, गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां। इतना छोटा परिवार है, नजर तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ कैसे नजर आएंगे साहब, सब गांव में है ना। किसके गांव में? मेरे गांव में। गरुड़िया जी का परिवार तुम्हारे गांव में क्या कर रहा है? गरुड़िया साहब का परिवार मेरे गांव में क्या करेगा साहब, मेरे गांव में तो मेरा परिवार है। तो ये लोग कहाँ हैं? कौन लोग? अरे यही माँ, बाबूजी और 2 बेटियां और 3 साले और 2 ये और भेड़, बकरी, टिल्लू पिल्लू, सब कहाँ हैं? गांव में। मेरे भाई किसके गांव में? मेरे गांव में। अबे तेरी तो, गरोड़िया जी का परिवार तेरे गांव में क्या कर रहा है? गरोड़िया साहब का परिवार मेरे गांव में क्या करेगा साहब, मेरे गांव में तो मेरा ही परिवार है। तो गरोड़िया जी का परिवार कहाँ है? गरोड़िया साहब का परिवार तो सब यही है। गरोड़िया साहब के परिवार में लेन देन के 2 ही तो लोग हैं, ज्योति साहब और केशव मेम साहब।
ज्योति साहब और केशव मेम साहब। तेरे मतलब है ज्योति मेम साहब और केशव साहब? सर, ज्योति साहब और केशव मेम साहब। ज्योति साहब कैसे हो सकते हैं, केशव मेम साहब कैसे हो सकती है? सर, जब आप पुलिस में हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ज्योति, ज्योति कुमार श्रीवास्तव, गुरुडिया साहब का मैनेजर और इस परिवार का फैमिली फ्रेंड। वैसे तो गरोड़िया साहब की मौत के बाद भाभी जी बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, लेकिन उन्होंने कहा गरोड़िया सर के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो गई। भाभी, भाभी, केशव भाभी गरोड़िया साहब की पत्नी। सारा उस कमिश्नर की वजह से हुआ है। सारा शहर जानता है कि कमिश्नर गोगोल मेरे गरोड़िया जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये सारा किया धारा उनका ही है। कल रात को भी जब वो मेरे घर पर आए, एक मिनट, किसकी बात कर रही हैं आप? कमिश्नर गोगोल ऐसा करने वाला? कमिश्नर साहब आपके घर आए थे आज तो बड़ी ले। अरे कल रात को 1 बजे के आसपास जब मैं गरोड़िया की राह देख रही थी, तभी अचानक से डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने किसे पाया? कमिश्नर गोगोल। आई एम पुलिस कमिश्नर गोगोल चटर्जी, आपसे बात करना है। मुझे कहने लगे कि मेरे पति को अपने साथ लाए हैं, पार्टी में उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली इसलिए नशे में है, तो मैं उन्हें घर में ले लूं। लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया कि वो नशे में है तो मैं उन्हें घर में नहीं लूं। मैंने गरोड़िया जी को घर में ले लिया होता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सब मेरी वजह से हो गया। संभालिए भाभी, संभालिए, हिम्मत रखिए। आप ऐसा हार मान जाइए तो पार्टी को कौन संभालेगा? इनके पति गुजर गए और आप पार्टी देने की बात कर रहे हैं? राजकीय पार्टी। राज की पार्टी? राज कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। ओ अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि पार्टी वो डांस डीजे म्यूजिक पार्टी। भाभी, भाभी, सोचे पास शोक सभा। बैठे का अभी चलोगे शोक सभा? कुछ खाने के लिए रखा है वहां? वो शोक सभा है, कोई भोग सभा नहीं है। फिर इस बार रहने देते हैं, लेकिन आपकी जब होगी तब जरूर आएंगे। जी चलता हूँ। क्या बात करता है? हम निकल गए थे उस नेता जादव को उसको घर में। अरे हमने तो उसके साथ में झगड़ा हुआ था, हम उसको लेकर उसके घर में क्यों जाएगा रे? पता नहीं सर, लेकिन उनकी वाइफ से यही कह रही थी। पागल हो गया है, एकदम पागल हो गया है। कौन, वाइफ? नहीं रे बाबा, हम हमारा माता पूरा फुटबॉल हो गया है। लात मारो, लात मारो, लात मारो। उस दिन हमारे साथ में क्या हुआ, हमको याद क्यों नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कैसा हुआ ये। सर सर सर, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स सर। सर आई सजेस्ट बादाम मिल्कशेक पीजिए सर। बादाम मिल्कशेक सर, उससे सब याद रहता है। सर मैं तो इतना पीता हूँ सर, मुझे ये तक याद है कि पिछले जन्म में मैं कमिश्नर था और ये हवलदार। आप बादाम मिल्कशेक। हमको तो किसी और शेक का जरूरत है, हमको भी और तुमको भी। शेक वाला हबीबी, वाला हबीबी यार, कैसा काम कर रहे तुम रकीब यार, अल्लाह गैरत करे यार, तुम हम पे शक करते सलमान अल शेख सुलेमान पे तुम शक करते, कैसा करता है बुलबुल? देखिए मेरा नाम बुलबुल नहीं, मकबूल है। अच्छा मकबूल, ठीक है, मेरे बात सुनो तो हमको शक मत करो मेरे भाई। इसको तुम नकली बोलते, ये चिराग को तुम नकली बोलते? बाबा भाई तुमको मालूम है 3000 साल पुराना चिराग है। हमारा जन्नत रचीन अलादीन इसको गिस्ता था, इस कदर से जिन निकलता था और लोगों का तमन्ना पूरा होता। तो फिर तमन्ना पूरा करो, निकालो। क्या निकालो? अरे या तो इसके अंदर से जिन निकालो या अपनी जेब से 50 रुपए का छुट्टा नोट और ये
ये रहे 300 रुपए और 250 रुपए से मैं एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा इसका। मंजूर है तो बोलो वरना चलते बनो। तुम हमको बोलो चलते बनो, तुम पागल है? हमारा कंट्री में कोई ऐसा बोलेगा उसको सर खराब कर देगा। तुम जानते नहीं हम छोटा आदमी नहीं, हमारा तेल का कुआ है उधर। हम वो बैंकॉक में गया क्योंकि लोग बसात करते करते हमारा पूरा साथ खराब कर दिया, पैसा चोरी करके लेके गया। मानो भाई हम बहुत से आए इधर, अभी हमको एम्बेसी जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खाली उधर जाने का तक हमको ये टैक्सी का पैसा चाहिए, समझता है? दो दो रहने दो, हमें लेने नहीं है। यार निकालता है भाई, निकालता है क्या जिन? और नहीं 50 रुपए यार लो, ये लो, तुम हमारा फायदा उठा है यार। तुमको मालूम नहीं हम अभी हमारा तकलीफ है यार, जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम तुमको नहीं बेच सकते यार। क्या डाला यार समोसे में? अरबी डाला, आलू है। समोसे को छोड़, वहां देख खबरी सराज अरबी की गेटअप में। वो अरबी कहीं पता चलता कैसे कैसे बन के आ जाते हैं। अच्छा इसको बेच दिया मैं तो फिर खरीदा है क्या? ठीक है हमारा दिमाग काम नहीं करता यार। पत्थर है कब हाथ जिन निकालता तुमको निकालता मैं, और उसको बोलता ये पॉकेट जिन है इससे काम चला, अगले बार आएगा हम बड़ा जिन निकालेगा, हमको ज्यादा पैसा मिलता था यार। 250 रुपए बेवकूफ बनाया मेरे को। सर सर खबर खबर। और ठीक है हमारे भाई गोगुल थोड़ा मुसीबत में है, तकलीफ में है बाबस्ता, इसलिए तुमको मिलता नहीं कोई रास्ता। और बात है और फिरंगे छोकरे को तोड़ता है ये सर, बस एक बार कैसे भी करके वो लड़की मिल गई ना सर। मिलेगा तुम ढूंढो उसको यार, दिल से ढूंढो, ढूंढेगा क्या नहीं मिलेगा। अब ये बोलो क्या है? ये क्या है सर? ये तोती है। तोती है? तोती, ये करिश्मा सार तोती है, इसको बजाने से वो फिरंगी छोकरी आ जाएगा। ऐसे मिल जाएगा? ये पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ यार समोसा तो है। नहीं उल्टा है, उल्टा है, उल्टा 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 बजाओ। अच्छा उल्टा बजाना है? अरे मेरा भाई तुम उल्टा रे, इसको इसको उल्टा करो, उल्टा करो। अच्छा ऐसा बजाओ भाई, अंदर से बजाओ, अंदर से, अंदर अंदर से। क्या करते है यार तुम्हारा आवाज नहीं, इसका आवाज आना मुंतबार, ऐसा फूको इसके अंदर से आवाज आएगा, सुर निकलेगा। अच्छा निकलेगा। वो बता अत्र बला रुको। ए खुश ये बेली डांस करते हैं? इसका तो सिर्फ बेली ही डांस करता है। वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला हबीबी अला ररम बरखुल लकुल यतमल्ला मुल्ला वला वल खदा बिल करकुल अल्ला हबीबी अल्ला अल्ला हबीबी। क्या हुआ क्या हुआ? अब नॉक कर, मुंह तो छुपा लिया, इसका क्या करेगा? सी लॉरेन आरडीएस कम टू अरेस्ट यू। I'm asking you something, Miss Lauren. Why did you do it? Why did you kill Mr. Guradia? No, that's not true. I didn't kill anyone. Please trust me. Trust? किया था तुम लोगों को trust 300 साल पहले? क्या मिला हमें? हमारे खजाने लूट के ले गए ना? लेकिन आदि, इसे इसकी भाषा में समझा दे कि हम इसके जैसे नहीं हैं। इसलिए मैं इसे trust करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे अपनाने के लिए भी तैयार हूं, मैं इसे दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए तैयार हूं, मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हूं। क्या बाहों? पहले ये फाइल हटा।
देख तो ले पहले तेरी बाहों में जगह भी है कि नहीं। दोनों बाहों के बीच में मोटा सा पेट लेके बैठा हुआ है क्लॉस्ट्रोफोबिक आदमी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि ये अब हमें धोखा ना दे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। यार, ये तो हिंदी समझती है और बोल भी रही है, हिंदी कैसे? चौके मात, मुझे हिंदी आती है और मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना मैंने किसी का मर्डर किया है। अगर आपने किसी को मारा नहीं तो उस रात आप कमिश्नर साहब के घर पे कर क्या रही थी? अपनी जान बचा रही थी मैं। फ्रॉम होम? अरे यार, फ्रॉम होम क्या कर रहा है? अभी तो इसने बताया हिंदी बोलती है, सुनती है, देखती है। फ्रॉम होम किससे जान बचा रही थी आप? उस रात पार्टी में मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। But I wasn't feeling comfortable there. कि वहाँ पे कुछ ऐसे लड़के भी थे जो मुझे छेड़ रहे थे, मेरा फायदा उठाना चाहते थे, वो मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे पिलाना चाहते थे। पर मैंने वो ड्रिंक नहीं पी, मैंने ड्रिंक उठाया और बार के काउंटर पर रख दिया। लेकिन वहाँ पे जो कमिश्नर साहब बैठे हुए थे उन्होंने वो ड्रिंक गलती से पी ली। Then what happened? अरे यार, हिंदी आती है भाई, क्या then what happened? हाँ, फिर? फिर मैं पार्टी से निकली और पार्किंग लॉट पे गई। जो भी मुझे कार खुली मिली मैं उसकी पिछली सीट पे बैठ गई। जब मैं गाड़ी से निकलने वाली थी तब कमिश्नर साहब आ गए। तब मुझे पता चला कि जो कार में मैं बैठी हुई थी वो कमिश्नर साहब की गाड़ी थी। उस टाइम नेता भी आ गए, मैं डर गई इसलिए कार की सीट के पीछे ही छुपे रही। एक्चुअली थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई है। शर्म आना चाहिए, शर्म। आंद्रो आंद्रो हमारे साथ कितना झगड़ा किया, बड़ा बड़ा बात किया, अभी लिप मांगता है। कैसा नेता है तुम, पार्टी बदलता है? चलो। फिर कमिश्नर साहब नेता को लेके उनके घर छोड़ने गए। Then what happened? अरे क्या यार, तेरे को कितनी बार बताया उसे हिंदी आती है। मेरे बाप, उसके बाद क्या हुआ लॉरेन? कमिश्नर साहब नेता को लेके उनके घर पहुंचे, उनकी वाइफ से मिलने गए, फिर थोड़ी देर बाद वापस आए और नेता को लेकर अपने घर चले गए। नेता तो फूल रंग थे, बेहोश थे, इसलिए कमिश्नर साहब उसको घसीट कर घर के अंदर ले गए। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी वहां पे जाके कहीं छुप कर सवेरे का इंतजार करूं। तो मैं अंदर गई, वहां पे बाथरूम में छुपी थी, फिर अचानक कोई लेडी आई थी, मुझसे झगड़ने लगी, मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ या क्या कर रही हूँ। फिर मैं ऐसे तैसे वहां से भागी। वो लेडी थोड़ी ऐ थी? हाँ, ऐसी थी एकदम क्रैक। नीना जी, बस इतना ही हुआ था उस रात को। मेरा किसी मदर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा, I'm innocent. लॉरेन, अगर ऐसी बात थी तो तुम नेताजी गरुड़िया के मौत के बाद सामने क्यों नहीं आए? तुमने क्यों जरूरी नहीं समझा कि पुलिस के सामने आकर तुम अपना स्टेटमेंट दो? I was scared. डर गई थी मैं। मैं यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज में काम करने आई थी, फिर कुछ दिन पहले मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, पर काम किए बगैर मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए इलीगल ले रहना पड़ रहा था। I'm sorry. अरे
अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने हम पर इतने सालों राज कैसे किया। कैसे? अब देख यार, इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियां हमारे राजा महाराजाओं के पीछे छोड़ देते होंगे। अब तू ही बता यार, इसी प्यारी प्यारी नीली आंखों से आंसुओं के ये छोटे छोटे बूंद गिरते हुए देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा यार। और अपने यहाँ की देख आदि, मुझे यहाँ से ले जा आदि, कहीं पिघल ना जाऊं। तू पिघल जाएगा तो तुझे नाले में बहा दूंगा। कैसे निकालूं कमिश्नर साहब को इस मुसीबत से?